भारती मोटर्स की तरफ से आप सभी को विश्वकर्मा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। खास करके जो श्री अमित शाह विशाल जनसभा में आए थे, हमारे हायाघाट के विधायक ने क्या कुछ कहा, देखिए। चालू कीजिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सूर्या न्यूज़ नेटवर्क, में हूँ सोनू झा। अभी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि कोई भी परिचय का मोहताज नहीं, हमारे स्थानीय विधायक डॉक्टर रामचंद्र प्रसाद। आज सबसे पहले सर, हमारे फूडिया न्यूज़ टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। चलिए, धन्यवाद आपको। और सर, खास करके आज हम बात करेंगे बिहार की राजनीति पर, और आज जो हमारे अमित शाह गृह मंत्री आ रहे हैं जोरों शोरों से तैयारी के साथ, चलिए खास बातचीत करते हैं डॉक्टर रामचंद्र प्रसाद जो हमारे स्थानीय विधायक हैं उनसे। सर, सबसे पहला सवाल, आज सर किस चीज़ गृह मंत्री आ रहे हैं तो कहाँ कहाँ से लोग जा रहे हैं सर, और क्या तैयारी हो रही है सर? आज मेरे भारतवर्ष के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का मिथिला के पावन भूमि पर आगमन है। उनका पूरा बिहार उनके आगमन की इंजारी में पलक बिछाए बैठे हैं। पूरा बिहार के जनता, अभी बिहार आ रहे समय मैं बिहार का चर्चा कर रहा हूँ, पूरा बिहार का जनता इनके स्वागत के लिए इंतजार में लोग खड़े हैं। मैं तो पूरा बिहार का बात कर रहा हूँ, पूरा भारतवर्ष जो है, जो माने नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में जो सरकार जो काम किया, चाहे गरीब का हित का बात हो, दलित का हित का बात हो, चाहे जिस समाज का भी हित का बात हो, उन्होंने जो काम किया है उस काम को लेकर के जनता पूरा NDA सरकार के पक्ष में है। और माननीय अमित शाह जी के आगमन से जो बिहार का जो उत्तरी बिहार है वो मिथिलांचल के भूमि के नाम से जाना जाता है, और उस मिथिलांचल के भूमि का आज उनका झंझारपुर में उनका स्वागत है। हमारे जितने भी बिहार के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, सभी तन मन धन से उनका जोरदार स्वागत के लिए वहाँ पर। सर, क्या लग रहा है इस बार राजनीति की बात करते हैं, बिहार की राजनीति पर खास करके बात करेंगे तो सर, बिहार में बहुत ऐसे चेहरे हैं मुख्यमंत्री के, लेकिन सर क्या लग रहा है इस लोकसभा चुनाव में सर आखिर कौन बनेंगे मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री कौन बनेंगे ये तो कहना अभी नहीं कर सकते हैं। मुख्यमंत्री का बात करेंगे, प्रधानमंत्री का बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का तो 2024 में सर बनेगा। हाँ, लोग बात करते हैं कि 2024 में बनेगा, अभी हम फिलहाल बिहार की राजनीति पर बात कर रहे हैं। अभी तो बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी हैं, कल क्या होगा, वो कब पलटी मारेंगे उस पर कोई भरोसा नहीं है जनता को। वो किसी समय पलटी मार के कहीं जा सकते हैं, उसका नाम है पलटू कुमार और दूसरा नाम है उनका कुर्सी कुमार। तो कुर्सी के लिए या पलटी मारने के लिए तो प्रचलित हैं वो, तो इसलिए वो उनका कोई भरोसा नहीं है, उन पर जनता का भी पूरा भरोसा उठ गया है। और इस भरोसा जब उठ गया है तो आगे आने वाला चुनाव जो है उसमें जनता उनको मजा चिखाने का काम करेगा। आज जो 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने वाला है, जिसका बिगुल माननीय अमित शाह के द्वारा आज झंझारपुर के धरती से बिगुल फूका जाएगा, और ये चुनाव की तैयारी चल रही है। हमारा जो NDA परिवार है पूरा एकजुट होकर के, कहावत में एक बिहारी सब पर भारी, एक नरेंद्र मोदी, पूरा जो जो महागठबंधन बना है तो पूरा सब पर भारी है। और 2024 में जो चुनाव होने वाला है इस पर माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनेगी, और भारतवर्ष के प्रधानमंत्री फिर एक बार नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। सर, अपना परिचय। रामचंद्र प्रसाद, विधायक हायाघाट। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम बिहार की चर्चा करेंगे। अभी हम इस वक्त मौजूद हैं हायाघाट प्रखंड के जो हमारे स्थानीय विधायक हैं डॉक्टर रामचंद्र प्रसाद,
आज और उनके कार्यकर्ता आज झंझारपुर में हमारे गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं, तो चलिए यहाँ के जनता जो है उनसे बात करते हैं। आखिर 2024 में चुनाव होने वाली है, आखिर विकास के मुद्दे पर बात करेंगे, सत्य के मुद्दे पर बात करेंगे, तो चलिए जानते हैं, हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहले सर आपको पूर्णिया न्यूज में सबसे पहले धन्यवाद आपका। मेरा नाम दशरथ सर है, मैं जोरजा पंचायत से बूस्ट कार्यकर्ता हूँ। उसके बाद ये बीजेपी का जो विकास और परिवर्तन जो हो रहा है, ये लेके हम लोग चलेंगे। कितना विकास हो रहा है, परिवर्तन भी कितना हो रहा है, युवा में कितना उत्साह है, सबको मुद्दा लेके हम चलते हैं 2024 का विधान। क्या आज जो आप लोग झंझारपुर जा रहे हैं, किस मकसद से जा रहे हैं? मकसद इसे ही आ रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। क्या लग रहा है आपको 2024 में होने वाले चुनाव में आखिर कौन प्रधानमंत्री बनेंगे? ये तो गारंटी है, ये तो गारंटी। हमसे क्या पूछ रहे हैं, अदर पार्टी से पूछ लीजिए। हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री अगर आप फिक्स हैं। हाँ, हम जोरजा साहब।